तो लीनियर अलजेब्रा के पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि किसी भी वेक्टर स्पेस में जो हम यदि वेक्टर लें तो उन वेक्टर्स को कब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे और कब उन वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स कहेंगे। फिर मैंने वहां पर आपको अभी मैंने लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स की कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे R3 पर बेस्ड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी वेक्टर स्पेस के साथ में, याद रखिएगा, हम कई बार केवल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, पर कई बातें हमारी इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में भी सही हैं। तो मैं जब केवल वेक्टर स्पेस कह रहा हूं तो इसका मतलब वो वेक्टर स्पेस फाइनाइट भी हो सकता है, वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट भी हो सकता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या मतलब हमारा मतलब है फाइनाइट वेक्टर स्पेस से और क्या हमारा मतलब है इनफाइनाइट वेक्टर स्पेस से। हम अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने जा रहे हैं जो हमारे इस बात को डिफाइन करेगा कि कोई वेक्टर स्पेस को हम कब फाइनाइट और कब इनफाइनाइट कहते थे। याद करिए, ग्रुप और रिंग में आपने फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप या फाइनाइट और इनफाइनाइट रिंग की बात की थी। वह उस पर आने वाले ग्रुप में यदि फाइनाइट एलिमेंट है तो आपने उसको फाइनाइट ग्रुप कहा था, पर वेक्टर स्पेस में तो जनरली इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हर वेक्टर स्पेस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां हम कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं, पहले हम बता रहे हैं आपको बेसिस के बारे में। इस बेसिस की हेल्प से आप वेक्टर स्पेस के डायमेंशन का कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। वो उसकी कार्डिनलिटी या वेक्टर स्पेस में होने वाले एलिमेंट की संख्या से डिफरेंट है। हम अब वेक्टर स्पेस में एक स्पेशल सेट बनाना चाहते हैं जिसको हम बेसिस कहेंगे किसी वेक्टर स्पेस की। क्या मतलब है हमारा बेसिस से वेक्टर स्पेस की? ये पहले हम इसका आंसर देखना चाहें एक सिंपल एग्जांपल में। मैंने आपसे कहा था मैं इस पूरे लेक्चर के थ्रू, मेरे लेक्चर के थ्रू मैं जनरली एग्जांपल रियल वेक्टर स्पेस लूंगा ट्रिपलेट्स का, R3 जिसको मैंने कहा था आपके। इसमें मैंने, वैसे आप इन तीन वेक्टर से फेमिलियर हो चुके हैं, मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए E1 रख रहा हूं। इसका नाम मैं थोड़ी देर के लिए E2 रख रहा हूं। ये वेक्टर से याद रखिए, इसलिए आप बार लगाइए ऊपर, लगाना चाहें तो वेक्टर दिखाने के लिए, या बोल्ड लेटर में आपके बुक्स में बोल्ड लेटर में लिखा होता है E1, E2, E3। ये तीन वेक्टर चूज कर रहा हूं मैं R3 में। हम देखिए तीन वेक्टर में क्या खासियत है। पहली बात तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्या देख चुके थे हम ये देख चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में। पहली बात क्या, इन वेक्टर्स का सेट E1, E2, E3, इन वेक्टर का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इन वेक्टर का सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब मेरा क्वेश्चन दूसरा, जो दूसरा मेरा प्रॉपर्टी है इस वेक्टर्स के साथ में, वो ये है, यदि इस सेट का मैं लीनियर स्पैन लू तो क्या है? ये क्वेश्चन है। यदि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट तो है पर इनका लीनियर स्पैन रूट तो क्या आएगा? तो जरा देखिए हम इसका लीनियर स्पैन बनाएं जरा इसका। तो इसका लीनियर स्पैन कैसा दिखेगा, याद करिए, आपने पढ़ा हुआ है। इसका लीनियर स्पैन क्या होता है, इसका लीनियर स्पैन क्या होता है, XE1 प्लस YE2 प्लस ZE3। जहां पर x, y और z किसके मेंबर हैं, स्केलर्स हैं, रियल नंबर के मेंबर हैं। ये इसका लीनियर स्पैन है। हमने लीनियर स्पैन की डेफिनेशन दी थी, ध्यान से रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, x 100, y 010, z 001। जहां पर x, y, z किसके मेंबर हैं, फील्ड के मेंबर हैं, स्केलर से। यदि इसको मैं कंबाइन करूं तो ये आ गया x y z। x को अंदर मल्टीप्लाई करिए, y को अंदर मल्टीप्लाई करिए, z को अंदर मल्टीप्लाई करिए और ट्रिपलेट्स को जोड़ दीजिए। ये हम सब चीज हुए हैं, x y z मेंबर हैं। अरे ये देखिए यार, क्या क्या नोट करिए, आपको तो ये ट्रिपलेट्स मिल गए, इसका मतलब आपको फिर से पूरा का पूरा R3 मिल गया।
तो क्या इंटरेस्टिंग बात नोट किया आपने इस एग्जांपल में, मैंने इस R3 में, इस R3 में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं, मैंने ये तीन वेक्टर चुने, ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, इनका जब लीनियर स्पैन लिया तो पूरा का पूरा R3 जनरेट हो गया। कहने का मतलब है ये तीन वेक्टर R3 को जनरेट कर देते हैं, इन तीन वेक्टर का लीनियर स्पैन R3 है, मतलब R3 के किसी भी एलिमेंट को मैं इन तीन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ एनी वेक्टर ऑफ R3 कैन बी रिटन, लिखा जा सकता है, कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स E1 E2 एंड E3। तो इसका मतलब ये तो ये जो सेट ऑफ वेक्टर है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेट ऑफ वेक्टर है। पहली बात तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दूसरी बात ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, जबकि वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं और ये पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये सेट जो वेक्टर का है जिसमें केवल तीन एलिमेंट है, देखिए वेक्टर स्पेस में तो इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उनमें से कोई तीन एलिमेंट मैंने चुने हैं और ये ऐसी दो इंपॉर्टेंट बात को कैरी करते हैं अपने साथ में, मतलब किसी वेक्टर स्पेस को जनरेट करने के लिए मुझे केवल इन तीन एलिमेंट से काम चल गया। तो इसका मतलब ये सेट कोई स्पेशल सेट है, इसका मतलब इसका कुछ स्पेशल नाम भी होना चाहिए सेट का। इस तरह के क्या और सेट भी पॉसिबल है, दूसरा आपको क्वेश्चन होगा, बिल्कुल है। देखिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये होमवर्क ये बताता है कि ये वेक्टर्स जो ये काम कर रहे हैं ये यूनिक नहीं है, इसी हम कोई तीन और वेक्टर भी ढूंढ सकते हैं जो ये काम फिर से कर दे। तो देखिए मैं आपको दे रहा हूं, आप ये कंसिडर करिए 1 0 0 एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर कंसिडर करिए 0 1 1 और तीसरा वेक्टर कंसिडर करिए 0 0 1। ये सेट ऑफ वेक्टर्स उनसे डिफरेंट है, देखिए जैसा पहला और तीसरा तो इसमें भी है पर दूसरे की जगह पर मैंने ये रखा है, और आप नोट करेंगे, क्या नोट करेंगे आप ये नोट करेंगे कि ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये आपका होमवर्क है। और दूसरी बात आप नोट करेंगे कि R3 का कोई भी वेक्टर दे दीजिए मुझे, मैं उसको इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं। ये देखना बड़ा आसान है भाई, क्या आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देखना बहुत आसान है। आप R3 का कोई भी वेक्टर दीजिए मुझे, XYZ है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूं इससे, X into this plus Y into this plus Z into this इक्वल टू आप R3 का जो नंबर दे रहे हैं मुझे, जो एलिमेंट दे रहे हैं, मैं उसे जनरेट कर दूंगा, एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकाल देंगे। इसका मतलब ये सेट ऑफ वेक्टर भी वही काम कर रहा है जो ये वाला सेट ऑफ वेक्टर्स कर रहा है, ऐसे इनफाइनाइट चॉइसेस पॉसिबल है। इसका मतलब इसका कोई स्पेशल प्लेस नहीं है, हाँ ये दिखने में काफी इजी है ये कह सकते हैं, अदरवाइज वो काम करने वाला जो सेट है उस सेट का काम ये सेट भी कर रहा है, कोई दूसरा सेट भी करेगा, कोई तीसरा सेट भी करेगा, ऐसे इनफाइनाइट चॉइसेस पॉसिबल है। बट एनीवे हमने ये देखा कि किसी वेक्टर स्पेस में यदि मेरे को कोई वेक्टर स्पेस दिया हो, उस वेक्टर स्पेस में मुझे ऐसे वेक्टर्स मिलने के चांसेस हैं जो ये काम कर रहे हैं। पहला क्या, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और दूसरा क्या, आप क्या कर रहे हैं, यस दूसरा काम क्या कर रहे हैं, वो वेक्टर स्पेस को जनरेट कर रहे हैं कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट उन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। इसी सेट को हम बेसिस कहते हैं, इस वेक्टर स्पेस की ये बेसिस है, इस वेक्टर स्पेस की ये बेसिस है। अभी हम बात करेंगे, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा कि बेसिस के जो एलिमेंट होते हैं उससे वो सबसे मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट होता है उस वेक्टर स्पेस में।
इस सेंस में कि उससे बड़ा कोई सेट, उससे बड़ा सेट नंबर्स में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, लिनियरली इंडिपेंडेंट। तो अब हमारी डेफिनेशन आ गई, हम किसी वेक्टर स्पेस में ऐसे स्पेशल सेट को ही बेसिस कहेंगे उस वेक्टर स्पेस की। तो इफ V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, ओवर द फील्ड F, F याद रखिए भाई, अपने दिमाग के अंदर रखिए, F हमारे मोस्ट ऑफ द केसेस में F हमारा या तो R होगा, सेट ऑफ रियल नंबर होगा, या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इफ VF इज ए वेक्टर स्पेस ओवर F, देन ए सेट, ये मैं सेट का नाम स्क्रिप्ट बी लिख रहा हूं, बेसिस, बेसिस का बी, देन सेट बी, देन ए सबसेट स्क्रिप्ट बी ऑफ वी इज कॉल्ड। अब ये सबसेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट, इसी पर हम बात करेंगे भी आगे चल के। इस केस में ये फाइनाइट सेट है, इज कॉल्ड ए बेसिस ऑफ वी इफ फर्स्ट, कौन सी दो खासियत होनी चाहिए नोट करिए, बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेकेंड लीनियर स्पेन जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, लीनियर स्पेन ऑफ बी इज नथिंग बट होल वेक्टर स्पेस वी। ये मेरी एक बहुत ही नाइस डेफिनेशन बन गई इस वेक्टर स्पेस की, बेसिस की डेफिनेशन है। जब मैं बेसिस, बेसिस में यदि फाइनाइट एलिमेंट है, मैंने जब लीनियर कॉम्बिनेशन कहा है तो फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जब मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहा हूं इसका मतलब होता है बेसिस में से फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, जो फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो सारे फाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, याद करिए, कोई भी सेट जिसमें जीरो वेक्टर होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसका मतलब बेसिस में कभी भी वेक्टर स्पेस का जीरो नहीं होता, और लीनियर स्पेन ऑफ बी भी है, इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस के हर एलिमेंट को हम बी के वेक्टर्स के, फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया है जो मैं पूरा कर चुका हूं, कौन सा एग्जाम्पल याद कर देखिए, वहां पर E1, E2, E3 इज ए बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस R3R। अब आप थोड़ा सा मुझसे ये पूछना चाहते होंगे कि सर आपने पिछले लेक्चर्स में हमें बताया था 2x2 की मैट्रिसेस भी, रियल मैट्रिसेस भी वेक्टर स्पेस बनाती है, उसकी बेसिस क्या होगी। चलिए कोई बड़ी बात नहीं, वो बहुत ईजी है, हमेशा याद रखिए मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट्स को, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने का तरीका थोड़ा बदलिए तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। मैं आपको पहले एक चीज बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे बदलिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं किस तरह से बदलिए उसे, बदलने का मतलब मेरा ये है, देखने का तरीका बदलिए जब मैं कहता हूं, उसका मतलब ये है, याद करिए आपका 2x2 मैट्रिक्स कैसी होती थी, बोलिए, ए बी सी डी, दो रो और दो कॉलम, पर टोटल एंट्रीज कितनी है, जरा ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी तो देख सकता हूं, देखना चाहूं तो, देखिए मैं ऐसे भी देख सकता हूं इसको, ये देखना चाहूं तो, ये देखने का नजरिया है, यदि ऐसे देखूं तो ये इसका मेंबर है, किसका, R4 का, क्योंकि इसमें चार कोऑर्डिनेट्स हैं, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें चार कोऑर्डिनेट्स बैठे हुए हैं,
और यदि उसको ध्यान से देखें तो आप R3 को याद करिए, याद आ रही है R3? R3 की बेसिस क्या बनाई थी मैंने, बिल्कुल सिंपल बेसिस क्या बनाई थी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहां पर आपसे कोई पूछे बेसिस क्या होगी तो क्या बोलेंगे आप, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। खत्म। और आपको अच्छे से पता चल गया मैं क्या बोल रहा हूं, किसको आप बेसिस कैंडिडेट मान रहे हैं, दूसरा एग्जांपल कौन है जो आपने वैसे ही देख लिया यहां से मेरे, इसको देखकर आप समझ गए, इस चीज को देखते हुए आप इस एग्जांपल को सोच सकते हैं क्या, कौन सा एग्जांपल, M2 in the vector space M2R कैसा वेक्टर स्पेस है जिसमें ये रियल मैट्रिसेस हैं, इसकी बेसिस यदि आपसे पूछी जाए तो आपको पता चल गई E1 क्या है, 1 0 0 0, E2 क्या है, 0 1 0 0, E3 क्या है, 0 0 1 0, और E4 क्या है, 0 0 0 1। लीजिए बिल्कुल देखिए वहीं से, ये चार एलिमेंट हैं इस पे, आप चेक करिए ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मैंने पहले चेक किया था R3 के लिए, ये चारों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मैं चेक करके दिखा दूं आपको एक बार, ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट सही हो जाए। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों है, यदि मैं ऐसा ट्रीवियल कॉम्बिनेशन लू α1 α2 e2 α3 e3 α4 e4 = 0 0 0 मैट्रिक्स, ये ट्रीवियल कॉम्बिनेशन तभी, यदि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये ट्रीवियल कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब ये चारों चीजें जीरो हो जाएंगी। तो चेक करें जरा सा, हम α2 0 1 0 0 α3 0 0 1 0 α4 0 0 0 1 = 0 0 0। यस, इस α1 से अंदर मल्टीप्लाई किया, α2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, α3 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, α4 से मैट्रिक्स को, सब स्कूल में किया है आपने, और इनको जोड़ दीजिए आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगी लास्ट में, α1 α2 α3 α4। दो मैट्रिक्स बराबर कब होती हैं, जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होती हैं। इसका मतलब आपने क्या निकाल दिया, α1 भी 0, α2 भी 0, α3 भी 0, α4 भी 0। यही डेफिनेशन है, इसका मतलब E1, E2, E3 क्या हो गए, इसका मतलब है E1, E2, E3, E4 is linearly independent। देखिए आपके सामने, इसी तरह से आप लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो मैंने यहां भी दिखा दिया, इस वेक्टर स्पेस में, इस वेक्टर स्पेस की बेसिस क्या है, इस वेक्टर स्पेस की बेसिस, बेसिस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस इज E1 E2। याद रखिए बेसिस यूनिक नहीं होती इस सेंस में, आप कोई और चार वेक्टर्स भी उठा सकते हैं, पर इंटरेस्टिंग बात यह देखेंगे आप, तीन से ज्यादा जब R3 में तीन से ज्यादा जब भी वेक्टर उठाएंगे वो बेसिस नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसी तरह से 2x2 की मैट्रिक्स में यदि आप चार से ज्यादा मैट्रिक्स उठाएंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस M2R में केवल चार हो सकती है, तीन मैट्रिसेस भी, तीन यदि मैट्रिसेस है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकती है, टू भी हो सकती है, वन भी हो सकती है, पर मैक्सिमम थ्री होती है। तो बेसिस जनरली बनता है मैक्सिमल इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ वेक्टर से, E1 E2 E3 और E4। ये लीजिए मैंने आपको बेसिस के एग्जांपल दे दिए। अब हम अपने जो हमारा उद्देश्य था कि हम किसी वेक्टर स्पेस में, जैसे ग्रुप में आपने ऑर्डर बोला था ग्रुप का, वेक्टर स्पेस में वही काम डायमेंशन करता है। ऑर्डर तो सिंपली क्या बताता है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं,
वेक्टर स्पेस में ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है, जीरो वेक्टर स्पेस को छोड़कर। अदरवाइज वेक्टर स्पेस में यदि मैं जब रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर के फील्ड की बात कर रहा हूँ, वेक्टर स्पेस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ, जनरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं होगा। यदि वहां उसकी ऑर्डर की बात करूं तो यहां कॉन्सेप्ट आया डायमेंशन का, जिससे वहां ऑर्डर का कॉन्सेप्ट था वैसे यहां डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है। और क्या हम नए कॉन्सेप्ट पे आए, और ये कॉन्सेप्ट आपको रियलिटी से आपको वाकिफ करा रहा है। किस रियलिटी से? जैसे आपने R3 कहा था, R3 कहा था तो आपको कमरे की परिकल्पना होती है, प्लेन और एक हाइट, इसी को आप डायमेंशन कहते थे अपनी लैंग्वेज में। यदि आप प्लेन में बात कर रहे हैं तो उसको डायमेंशन उसकी 2 कहते थे, लाइन में चल रहे उसकी डायमेंशन 1 कहते थे। मैं तो जनरल वेक्टर स्पेस की बात कर रहा हूं, तो मैंने डायमेंशन का कॉन्सेप्ट मुझे डेवलप करना था वेक्टर स्पेस में, जो आप जिस डायमेंशन से परिचित हैं उससे मैच कर जाए। और अब ये डायमेंशन पूरा मैच कर रहा है। कैसे? ये डेफिनेशन है मेरी किसकी, डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस, किसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन क्या होगी? If VF is a vector space over the field F, then number of elements in the basis of vector space VF is called dimension of the vector space, is called dimension of the वेक्टर स्पेस की डायमेंशन है। तो क्या है वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, बोलिए? किसी वेक्टर स्पेस की बेसिस में जो एलिमेंट्स होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसी नंबर को वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहते हैं। R3 की बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे? 3, तो उसकी डायमेंशन क्या हुई? 3। M2R के बेसिस में कितने एलिमेंट थे याद करिए, कैपिटल E1, कैपिटल E2, कैपिटल E3, कैपिटल E4, इसका मतलब उसकी डायमेंशन हुई 4। तो नंबर ऑफ बेसिस एलिमेंट इज कॉल्ड सिंपली डायमेंशन, इट इज डिनोटेड बाय डायमेंशन वी, नोटेशन है। अब आपका क्वेश्चन आ गया मेरे पास, अब कई क्वेश्चन आपके दिमाग में अब घूम रहे होंगे, मतलब डायमेंशन डिफाइन करने के पहले मेरे पास बेसिस होनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा मेन है, इसका आंसर हम बाद में देंगे लास्ट में, और आपसे पूछ रहे हैं, खोजिएगा, क्या हर वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होती है? तो मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या हर वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होगी। मेरे वेक्टर स्पेस जनरली मैंने रियल लिए हैं या कॉम्प्लेक्स लिए हैं? तो पहला क्वेश्चन है, हर वेक्टर स्पेस का बेसिस होगी नहीं होगी? अभी हम इस क्वेश्चन का आंसर, जब तक आप प्रूफ नहीं कर देते तब तक हम इसका पॉजिटिव आंसर मान के चल रहे हैं कि हमारे, हम जितने भी वेक्टर स्पेस देंगे उसके पास बेसिस होगी। और यदि वेक्टर स्पेस के पास बेसिस है, और याद रखिए किसी वेक्टर स्पेस के पास कई बेसिस हो सकती हैं, पर एक चीज कॉमन होगी हर बेसिस में, नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन होंगे। ये नहीं कह सकते कि कोई वेक्टर स्पेस के पास में एक बेसिस में 5 एलिमेंट है और उसी वेक्टर स्पेस के पास में एक दूसरी बेसिस में 6 एलिमेंट है, ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो भूल जाइए। वेक्टर स्पेस में एक से ज्यादा बेसिस हो सकते हैं, पर उनमें एक खासियत होगी, हर बेसिस में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। यही वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है वेक्टर स्पेस की, इनवेरिएंट ऑब्जेक्ट है ये, जिसको आप डायमेंशन कहते हैं। इससे हम डिफाइन करेंगे वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन का होगा कि इनफाइनाइट डायमेंशन का होगा।
ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस. शॉर्ट फॉर्म में हम हमेशा ऐसा लिखेंगे एफ डी वी एस. ए वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस इफ इट्स डायमेंशन इज फाइनाइट नंबर. फाइनाइट नंबर मीन्स फाइनाइट नेचुरल नंबर. वैसे मैंने ये नेचुरल नंबर लिखा है, मैं फाइनाइट नेचुरल नंबर, वैसे इसमें जीरो को भी मैं बता रहा हूं, इसमें जीरो भी जोड़ना चाहिए आपको, क्योंकि जीरो डायमेंशन का भी वेक्टर स्पेस हो सकता है. किस वेक्टर स्पेस को जीरो डायमेंशन का, ये बता रहा हूं मैं आपको. तो नेचुरल नंबर के साथ में आपको वैसे जीरो भी जोड़ना चाहिए, तो घबराइए मत. ये नंबर होगा नॉन नेगेटिव नंबर होगा, ये कह लीजिए. तो फाइनाइट नंबर होगा जो नॉन नेगेटिव होगा. अभी बता रहा हूं मैं किस वेक्टर स्पेस का. अदरवाइज इट इज कॉल्ड, यदि वो फाइनाइट डायमेंशन नहीं है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल. अदरवाइज इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल. मैंने अभी जीरो की बात की, किस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जीरो होगी? तो एक्चुअली इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, जिसमें केवल एक एलिमेंट है उसको जीरो एलिमेंट कहते हैं, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हम जीरो कहते हैं. इसको हम जीरो डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं. क्यों ऐसा कहा बताइए? जीरो डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्यों कहा? आप जरा बेसिस की डेफिनेशन याद रखिए, सोचिए. आपकी बेसिस की डेफिनेशन में होना चाहिए पहले तो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दूसरा उसका लीनियर स्पेन पूरा वेक्टर स्पेस होना चाहिए. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये किसका लीनियर स्पेन है? V L5 का एम्प्टी सेट का लीनियर स्पेन ये होता है. और हम मान के चलते हैं कि एम्प्टी सेट में, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली लीनियरली इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब इस वेक्टर स्पेस की बेसिस एम्प्टी सेट है. और एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं? एम्प्टी सेट में जीरो एलिमेंट होते हैं, इसीलिए इसकी डायमेंशन जीरो है. तो ये याद रखिएगा, चाहे भूलिएगा मत कभी भी, इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, क्योंकि इसकी बेसिस एम्प्टी सेट है, ये जीरो डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता है. इसको छोड़ दिया जाए तो हर वेक्टर स्पेस जीरो डायमेंशन से नौ बड़े डायमेंशन का होता है. तो ये हमने आज देखा वेक्टर स्पेस के डायमेंशन से क्या मतलब है. बेसिस और डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को हमने देखा. तो वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है और इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है. तो आप अभी सोच रहे होंगे कि सर ने अभी तक हमें केवल फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ही एग्जांपल दिए हैं, क्या इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता भी है कि नहीं होता है? तो आंसर है यस, होता है. तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं आज. ये थोड़ा सा इसकी बेसिस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, फिर भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसके बेसिस के बारे में. और मैं ये सोचता हूं कि आप यदि अच्छी बुक देखें तो इसकी बेसिस को, इसकी बेसिस निकाल के ला सकते हैं. तो ये काम आपको करना है. पर हाँ, ये मैं अश्योर करता हूं, जो मैं वेक्टर स्पेस लिख रहा हूं ये अब इनफाइनाइट डायमेंशनल है, फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है. इसका मतलब इसकी बेसिस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे. कौन सा वेक्टर स्पेस ले रहा हूं ये देखिए, ये नोटेशन बड़ा स्पेशल है. सी आर एफ ये कलेक्शन है उन सारे फंक्शंस का, ये आर से आर में उन सारे फंक्शन का कलेक्शन है. एफ इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस का कलेक्शन है. जरूरी नहीं कि मैं फंक्शंस की डोमेन आर ले लूं,
फंक्शन का डोमेन में कोई ओपन सेट भी ले सकता था, क्लोज सेट भी ले सकता था, पर मैंने अभी आर ले लिया पूरा, चिंता मत करिए। सो कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आर से आर में, यदि ये किसी सबसेट ए से आर में जा रहा तो लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो इस पे ज्यादा चिंता मत करिए। मैंने अभी आपको सिंपल सा ये करेक्शन दिया, मैंने ऐसे सारे फंक्शंस का करेक्शन दे दिया। याद करो, कोई एग्जांपल याद आ रहा आपको आर से आर में सारे फंक्शंस का? ये देखो आपने पढ़ा है, ये तो आपने 12th क्लास में पढ़ लिया था। कौन से फंक्शन? fx equal to sin x, cos x, e to the power x, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन के एग्जांपल है आर से आर में। तो ये मैंने सेट लिया है जो सारे कंटिन्यूअस फंक्शंस का कलेक्शन का, सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन है आर से आर में आने वाले सारे कंटिन्यूअस फंक्शन का। इसमें हम एडिशन डिफाइन कर सकते हैं, यदि एफ और जी दो एलिमेंट है सी आर के, तो आप जानते हैं इनका एडिशन ऐसे डिफाइन होता है, एफ एक्स प्लस, ये भी आप 12th क्लास में कर चुके हैं, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर के लिए, ये इसका एडिशन डिफाइन किया हमने। हम किसी स्केलर से, रियल नंबर से इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो स्केलर मल्टीप्लाई, ये एडिशन डिफाइन किया हमने, और ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया हमने, अल्फा एफ एक्स इक्वल टू अल्फा एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ध्यान से देखिए, इस एडिशन और इस स्केलर मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये सेट वेक्टर स्पेस बनाता है, और वो एक्चुअली रियल वेक्टर स्पेस है। CR is a real vector space. चेक कर सकते हैं आप, क्यों बताइए क्यों? दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये सम भी बिलोंग करता है किसको? किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन फिर कंटिन्यूअस होता है, ये सब 12th क्लास से जानते हैं। कोई फंक्शन f यदि कंटिन्यूअस है तो माइनस f भी कंटिन्यूअस होगा, जहां माइनस f f का इनवर्स है। जीरो फंक्शन जिसको आप कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, यहां जीरो फंक्शन क्या होगा? ये आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। जीरो फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, जीरो x इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R के लिए। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू हर पॉइंट पर जीरो होती है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। तो ये अबेलियन ग्रुप भी बनाएगा, साथ में स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा जो मैंने अपने लीनियर अलजेब्रा के पहले लेक्चर में बताई थी आपको। और देखिए, जब भी मैं कोई चीज कहता हूं करेगा, इसका मतलब आपको उस लेक्चर को देखना है, उस लेक्चर को देखने के बाद में वो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है। जैसे मैंने जीरो ला के दिखाया आपको, एफ का माइनस एफ दिखाया इनवर्स होता है, आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखानी चाहिए। कुछ नहीं है क्योंकि एफ एक्स और जी एक्स रियल नंबर है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अपने आप फॉलो हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी रियल नंबर में होती है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो जाएगी। और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन की वो सारी प्रॉपर्टी जो मैंने लिखाई थी, चार प्रॉपर्टियां लिखाई थी, याद करिए एक्सियम लिखाई थी, वो चारों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये वेक्टर स्पेस है, और ये एग्जांपल है, ये वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशन नहीं है। तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है, शो दैट इट इज एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। घबराइएगा नहीं, ये थोड़ा सा इसका इसकी बेसिस निकालना थोड़ी डिफिकल्ट है। आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक को उठाइए, उस स्टैंडर्ड बुक में इसकी बेसिस दिखाई दी, और यदि आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है लीनियर अलजेब्रा में, तो प्लीज इस बुक को पढ़ना कभी मत भूलिए, हॉफमैन एंड, क्या है बुक का टाइटल, क्या है
लीनियर एलजेब्रा, ये बहुत ही फेमस और स्टैंडर्ड बुक है हॉफमैन क्रंच की, लीनियर एलजेब्रा, इस बुक को पढ़ना मत भूलिए। सो आज हमने क्या सीखा, पहले बताइए आज हमने क्या देखा। आज हमने किसी भी वेक्टर स्पेस में, अभी हमने एक बहुत बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, क्या हर वेक्टर स्पेस के पास बेसिस होगी? हम अपने किसी लेक्चर में इस बात का प्रूफ देंगे या इसको डिस्प्रूव करेंगे, मैं आपके लिए मिस्ट्री की तरह छोड़ रहा हूं, चिंता मत करिएगा। सो हमने आज बेसिस पढ़ी और बेसिस की हेल्प से हमने डायमेंशन निकाली है। आपको जब आपको यदि कहीं पर भी इस लेक्चर में कोई परेशानी हो रही है या कोई प्रॉब्लम्स या कोई क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं आपके अंदर, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी क्वेरी बिना किसी हेजिटेशन के इस ईमेल पर भेज सकते हैं। हम अगले लेक्चर में कुछ और बातों को लेकर मिलेंगे।